वेलकम टू आवर न्यू वीडियो स्पैनिश। आज हमारा टॉपिक नंबर 10 है सोशियोलॉजी में सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो किन सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उनके थोड़े से इम्पैक्ट्स वो आज देख लेते हैं। जो सबसे पहले प्रॉब्लम है पाकिस्तान की वो है द टॉप पॉवर्टी इन इक्वालिटी। पॉवर्टी जो है वो इसकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी। तो सबसे पहले जो पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान में एक हाई बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे चल रही है। इसके अलावा पॉवर्टी की वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो ये इसके थोड़े से बहुत इम्पैक्ट्स हैं। इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉवर्टी की वजह से ही बढ़ती है और जिसमें ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यूथ में इंक्रीज हो जाती है। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसकी भी जो इंस्टेबिलिटी है वो भी चल रही है। टेररिज्म और इनसिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, जिसमें टेररिज्म के अटैक्स और इंसर्जेंसी वो आती हैं। फिर आती है प्रॉब्लम इलिटरेसी और एजुकेशन गैप। इलिटरेसी जो है वो कि हायर क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप मतलब एजुकेशन पे ही फोकस होता है, लेकिन पॉवर्टी और इन प्रॉब्लम्स की वजह से इलिटरेसी का रेट जो है वो बढ़ता जाता है और एजुकेशन गैप भी, जिसमें इलिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी जो है वो इन्हीं की वजह से होती हैं, इलिटरेसी की वजह से, जिसमें औरतों को जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता कुछ मतलब रसूमात और इन चीज़ों के हिसाब से। फिर है चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स। तो चाइल्ड लेबर की बच्चों जो पॉवर्टी की वजह से बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर जो है उसका शिकार हो जाते हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसी की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक ही सोसाइटी है कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें पॉवर्टी की वजह से लिटरेसी और सारे गैप्स जो हैं वो बढ़ते हैं। फिर जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी जो है जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेस करनी पड़ती है वो वुमेंस की राइट की लिमिटेशंस को फेस करनी पड़ती है, और वायलेंस जो है वो वुमेंस के अगेंस्ट जो होता है उसकी वजह से। फिर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज है, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो वाटर स्कार्सिटी पे पड़ता है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है इसकी वजह से। फिर ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से जो मतलब माइग्रेशन हो रही है रूरल एरियाज़ के लोगों की अर्बन की साइड पे, अर्बनाइजेशन भी ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन के कुछ चैलेंजेस के रहने के मसाइल और दूसरे। फिर आता है हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ के इश्यूज़ भी, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं तो हेल्थ के इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सेस नहीं हो पा रही, हेल्थ केयर एक्सेस और सैनिटेशन एंड हाइजीन भी इसी की वजह से बढ़ता जा रहा है। एथनिक और सेक्टेरियन टेंशंस भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंटरकनेक्टिविटी की वजह से, एथनिक स्ट्राइव्स भी और फिर सेक्टेरियन वायलेंस भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चलते हैं सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। तो ये तो सिर्फ सरसरी प्रॉब्लम्स थी, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, और इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा है कि वो इंक्रीज़ होगा। रूरल और अर्बन माइग्रेशन जो हम अभी हमने डिस्कस की। इश्यूज़ और टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जैसे पॉपुलेशन और ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो उनकी वजह से कुछ टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और जो स्किलफुल जो हैं उनके पास नहीं पहुंच रही या कभी कभार कम, तो ये चीज़ें भी इनमें होती है। डेवियंस और स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो भी पॉवर्टी और उनकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी और स्कूल ड्रॉप आउट, ये भी इन्हीं की है सेम। स्मगलिंग जो है वो
सेम क्राइम जो है स्ट्रीट क्राइम के बाद स्मगलिंग और ये चीज़ें बढ़ती हैं। प्रोस्टिक्यूशन जो है वो भी इन क्राइम में से एक क्राइम है। फिर पॉवर्टी और ड्रग एडिक्शन जो है वो भी इस पॉवर्टी की बढ़ती जा रही है। उसके अलावा ड्रग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलाते हैं, जैसे जिनको ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको स्टूडेंट लाइफ में ड्रग एडिक्शन करवाते हैं, जैसे फैमिली नहीं फ्रेंड्स, और जिस तरह से फिर चाइल्ड लेबर और अब्यूज़ ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बॉन्डेड लेबर और फिर है सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अफेक्टिंग वुमेन, कि वुमेन को ना एजुकेशन दी जाती है और फिर अगर एजुकेटेड एजुकेशन दी भी जाए फिर उसे जॉब या जॉब नहीं करवाई जाती खानदानों के रसूमात की वजह से। वायलेंस जो है वो वुमेंस पे वुमेंस के खिलाफ और डोमेस्टिक वायलेंस भी इश्यूज कंसर्निंग द एल्डरली इन पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पाकिस्तान में हैं क्योंकि ये सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है। अगर सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम सारा स्टेबल हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपस में वैसे ही सारे इश्यूज इंटरकनेक्टेड हैं, जिनकी वजह से अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है तो माइग्रेशन भी होती है। फिर उसके अलावा जो रूरल और अर्बन की वजह से कुछ ट्रेनिंग्स वैसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं स्किल्स को बढ़ाने के लिए, तो वो भी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कहीं पहुँचती है तो कहीं नहीं पहुँचती। स्ट्रीट क्राइम्स भी पॉवर्टी की वजह से होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है कि कौन क्या मतलब कि अगर स्किलफुल नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। फिर स्मगलिंग और यही क्राइम्स जो हैं वो फिर करने पड़ते हैं ताकि वो मतलब कि स्टेबल हो सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। If you like our video, then like, share, and subscribe.